नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स डबल टू में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेविंग ऑपरेशन के बारे में। यह एक कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है और सीट मेटल ऑपरेशन का एक टाइप है। सीट मेटल ऑपरेशन एक काफ़ी सस्ता और काफ़ी फास्टेस्ट वे है कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, क्योंकि सीट मेटल ऑपरेशन के लिए जो मेटालिक प्लेट पर काम किया जाता है उसकी थिकनेस 6 mm से कम होती है। तो बात करते हैं सेविंग ऑपरेशन के बारे में। इसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट रहती है कि एक पंच की रिक्वायरमेंट होती है और दूसरा डाई की रिक्वायरमेंट होती है, और पंच को पंचिंग प्रेस में लगा होता है, उसको फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको मूव किया जाता है। तो बात करते हैं कि जो सीट मेटल ऑपरेशन है, जैसे पियर्सिंग है, ब्लैंकिंग है, इन ऑपरेशंस के बाद जो ब्लैंक या फिर जो होल हमें मिलता है उनके जो एज होते हैं वो परफेक्ट नहीं होते। तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से उनमें परफेक्शन नहीं आता और उनके एजिस पर बर बने होते हैं, क्योंकि सीयरिंग प्रोसेस के दौरान ब्लैंक और होल के एजिस पर बर जनरेट हो जाते हैं। तो इन एजिस को परफेक्ट बनाने के लिए या फिर पूरी तरह से क्लीन करने के लिए, इन बर्स को रिमूव करने के लिए एक फिनिशिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है, और जिसकी मदद से कम अमाउंट में ब्लैंक व होल के एजिस से मटेरियल को रिमूव किया जाता है ताकि हमें परफेक्टली क्लीन एजिस मिल सकें, और इसी फिनिशिंग ऑपरेशन को सेविंग ऑपरेशन कहा जाता है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर हमें थोड़े एक्स्ट्रा एजिस के जो बर हैं वो नज़र आ रहे हैं, और इस डायग्राम में थोड़ा आपको क्लीन होगा कि किस तरह से पंच की मदद से जब पंच को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो किस तरह से बर को रिमूव किया जाता है, वो आपको क्लियरली यहाँ से विजिबल हो गया है। और यहाँ पर पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि जो बर है वो पूरी तरह से सेपरेट भी हो गया है, क्योंकि सीट मेटल ऑपरेशन में जो ब्लैंकिंग होता है वह फर्स्ट ऑपरेशन होता है जिसे करना आवश्यक होता है, और जो सेविंग है यह सेकेंडरी सीरिंग ऑपरेशन है जिसे ब्लैंक व होल के एजिस की फिनिशिंग के लिए किया जाता है। सेविंग की मदद से एजिस की रफनेस, अनइवननेस और अनस्क्वेयरनेस को रिमूव किया जाता है, और इस ऑपरेशन के माध्यम से हमें बहुत ज़्यादा डायमेंशनल एक्यूरेसी भी प्राप्त होती है, और फिनिशिंग के लिए बहुत कम अमाउंट में मटेरियल को रिमूव करना होता है, इसीलिए डाई और पंच के बीच में बहुत कम क्लीयरेंस रखते हैं। सेविंग ऑपरेशन के दौरान मेटल्स पर सीरिंग स्ट्रेस इंड्यूस होती है, और इसके अतिरिक्त जो दूसरे सीट मेटल ऑपरेशन है जहां पर सीयर स्ट्रेस इंड्यूस होती है मेटल में, उसमें सीरिंग है, पंचिंग है, ब्लैंकिंग है, सेविंग, नोचिंग, ट्रिमिंग, निबलिंग आदि। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे ऑपरेशंस भी हैं जहां पर टेंशन होता है, उसमें स्ट्रेचिंग है, कुछ ऐसे ऑपरेशन है जिसमें कंप्रेशन स्ट्रेस जनरेट होता है, जैसे कोइनिंग है, साइजिंग है, और ड्राइंग, इम्बोसिंग, स्पिनिंग में टेंशन और कंप्रेशन दोनों टाइप की स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की सेविंग ऑपरेशन के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स डबल टू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।